भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की ओर से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना की गई है। सामूहिक सुविधा केंद्र का भूमि पूजन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों किया जाने वाला है, ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान एसपीवी अधिकारियों ने दी है। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्योग क्लस्टर योजना की गई है। इस योजना का उद्देश्य भारत देश के संपूर्ण व्यापार कारोबार को बढ़ाना, स्थिरता प्रदान करना और साथ ही नए तंत्रज्ञान गुणवत्ता के आधार पर एमएसई उद्योग को अच्छी मार्केट मिला देना और अच्छा काम करना, यह उद्देश्य को लेकर सामूहिक सुविधा केंद्र का निर्माण किया जाने वाला है। सामूहिक सुविधा केंद्र का भूमि पूजन समारंभ ऑटो इंजीनियरिंग क्लस्टर कार्यालय में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों 13 तारीख को किया जाएगा, ऐसी जानकारी पत्र परिषद में अधिकारियों द्वारा दी गई। बाइट अधिकारी कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, एनबीसी न्यूज नागपुर। तर्फे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालयाच्या तर्फे हिंगणा MIDC एरियामध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंट स्कीमच्या अंतर्गत एक कॉमन फॅसिलिटी सेंटरला मंजुरी देण्यात आलेली आहे आणि त्या कॉमन फॅसिलिटी सेंटरचं उद्घाटन, त्याचं भूमिपूजन व फाउंडेशन स्टोन लेईंग सेरेमनी करता माननीय श्री नितिन गडकरी साहेब उपस्थित राहणार आहे। तर आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की MSME मंत्रालय हे एक ॲपेक्स ऑर्गनायझेशन आहे आपल्या देशामध्ये, जे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगांच्या विकासाकरता कार्य करतं, पॉलिसीज तयार करतं, स्कीम्स तयार करतं, जेणेकरून आपल्या देशातील MSME किंवा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम हे मोठ्या प्रमाणावरती विकसित व्हावं आणि ग्लोबली इंटरनॅशनली कॉम्पिटिटिव्ह व्हावेत। तर या ऑर्गनायझेशनच्या तर्फे ज्या स्कीम्स राबविल्या जातात त्यापैकी एक योजना जी आहे ती मायक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेव्हलपमेंट स्कीम। ही स्कीम आमच्या मंत्रालयाची फ्लॅगशिप स्कीम आहे आणि या स्कीमच्या अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स अशा प्रकारच्या व्यवस्था तयार करण्याकरता वन टाईम ग्रांट इन एड दिली जाते, अनुदान म्हणतात त्याला, ग्रांट इन एड। आणि ही ग्रांट इन एड जो प्रोजेक्ट असतो त्या प्रोजेक्टच्या 90% पर्यंत दिली जाते। वेगवेगळ्या कॅटेगरीजमध्ये आहे, कॉमन फॅसिलिटी सेंटर करता 20 करोडच्या प्रोजेक्टला 90% दिलं जातं।